सभी रिक्शा चालकों पर आरटीओ तथा ट्रैफिक पुलिस द्वारा अन्यायकारक कार्रवाई थमी नहीं तो 16 मार्च से असमर्थ नागरिक सेवाभावी संस्था द्वारा उपोषण करने की चेतावनी दी गई है। संस्था के पदाधिकारी सलाम भाई शेख, निसार शेख, यूसुफ मेमन, आतिफ जौरे, ऐलान बर्मा वाला द्वारा एक प्रेस वार्ता में ये चेतावनी दी गई है। संस्था का कहना है कि दोषी व्यक्ति को सजा दी जाए, परंतु एक की करनी सैकड़ों शिक्षा, ये कहाँ का न्याय है। जिस रिक्शा चालक की मारपीट बस चालक के साथ घटी वो पहले परिवहन बस का चालक था। पिछले कुछ दिनों से वो रिक्शा चला रहा था, उसने मारपीट की तो उसकी सजा सब रिक्शा चालक मालक को क्यों दी जा रही है, ऐसा सवाल संस्था के लोगों ने मीडिया के माध्यम से किया है। रिक्शा चालकों पर किए जा रहे कार्रवाई फौरन रोक दिया जाए, अन्यथा 16 मार्च से आरटीओ तथा ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ अनशन किए जाने की चेतावनी संस्था द्वारा दी गई है। नायक साहब हमारे आरटीओ का सीनियर ऑफिसर है, उनसे जाके हमने बैठक बात करे, दो मिनट सर ऐसा 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 मुद्दा है, ये पेपर वर्क मतलब जो आरटीओ का कर रहा है इसके खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ सर, ठीक है गाड़ी तो छोड़ना चाहिए, बोले नहीं हमारे को ऊपर से आदेश है, तो हमने उनको जीआर नहीं मांगे, ऊपर से आदेश नहीं मांगे। एक केडीएम से ये वाला या एक रिक्शा वाला अगर गलती करता है तो सबके ऊपर सजा, सबके ऊपर ये सजा कैसे लागू हो सकते है। एक आदमी गुनहगार है उसको सजा दो, और जो आदमी गुनहगार ठहरा रहा है, जो आदमी को गुनहगार ठहरा रहे हो रिक्शा वाला साबित कर रहे हैं, आज कई सालों से केडीएमसी की गाड़ी चला रहे, उनका आंदोलन कोई मतभेद होंगे, लेकिन वो रिक्शा वाला परफेक्ट नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी पूरे रिक्शा वालों का आरोप लगाया जा रहा है। और कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो रिक्शा वाला रोड पे चलना मुश्किल है, लोगों की नजर में इतनी बदनाम किया जा रहा है, गुंडा है, चोर है, मवाली है, सभी रिक्शा वाला बदमाश है, उसके अंदर ग्रेजुएट लोग भी है, अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे अच्छे अच्छे खानदानी लोग भी है, सभी को बदनाम किया जा रहा है। जिसको तकलीफ, जो आदमी बदमाश है उसको सजा दो, जो आदमी गलत करता है कायदे के खिलाफ चलता है उसको सजा दो, उसके लिए हम भी स्वीकार करते हैं। ओवर सीट के ऊपर केसेस करते हैं रिक्शा वाले की, 3 सीट की जगह 34 सीट लेके जाते हैं तो उनको 200 रुपया पेनल्टी लिया जाता है उनसे, प्लस उनके ऊपर कार्रवाई होता है, उसके लिए हम खुश है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन केडीएम के अंदर 17 सीट आउटस्टैंडिंग होने के बाद 50-50 सीट लेके जाते हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होते है। स्टेशन परिषद ओनली फॉर गाड़ी रुकना, पैसेंजर उतरना और पैसेंजर लेके चलना, ये उनकी कायदे में रूल्स में बैठते है, और आधा आधा घंटा एक एक घंटा गाड़ियाँ स्टेशन परिषद खड़े रहते हैं, और ट्रैफिक हवालदार आगे केडीएमसी को कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे भीड़ लग जाता है ट्रैफिक हो जाता है उस टाइम आके वो लोग अपने जो है गुस्सा जो है रिक्शा वाले के ऊपर उतारते हैं। मैं शासन प्रशासन के और वाहतुक आयुक्त उपायुक्त से ये कहना चाहता हूँ, जो कुछ रिक्शा वालों के साथ अन्याय हो रहा है उसके बारे में उनको ध्यान देना चाहिए, और जो रिक्शा पकड़ने के बाद छोड़ते नहीं है, लोन की रिक्शा है, नई नई रिक्शा लोग लेते हैं, उसका लोन कहाँ से भरेंगे, क्या ये पुलिस आयुक्त इसका लोन का पैसा भरेंगे, और जो रिक्शा तोड़ दी जाती है बिला वजह उसका क्या है। उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, और ये मैं बहुत इससे कहना चाहता हूँ कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों पे जो ये रिक्शा के जो तोड़ते हैं या उनकी रिक्शा दो दो महीने रोक देते, उस पे कार्रवाई होना चाहिए।